प्रदेश में इन दिनों अपराधियों की लगातार लगाम कसी जा रही है। बुलडोजर से लेकर मुठभेड़ के दौरान गोली से भी पुलिस बदमाशों को सबक सिखा रही है और बाद में चुन चुन कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। अपराधी एकजुट होकर या अपने नेटवर्क के माध्यम से आगे भी किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम ना दे सके, इसी को लेकर समय समय पर जिलों में औचक निरीक्षण के साथ ही छापामार कार्रवाई की जाती रही है। कुछ इसी तरह रामपुर की जिला जेल में भी डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया है। हालांकि इस दौरान सब कुछ ठीक मिला। रामपुर की जिला जेल पर उस समय हलचल तेज हो गई जब अचानक से जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादर ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के साथ मिलकर औचक निरीक्षण किया। दोनों ही अधिकारी पुलिस बल के साथ कई घंटे तक जेल में मौजूद रहे और तलाशी अभियान चलवाते रहे। हालांकि एक घंटे से अधिक समय तक चले इस निरीक्षण के दौरान सब कुछ ओके मिला। डीएम इस कार्रवाई के दौरान जेल प्रशासन की सांसें अटकी रही नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया और दोनों ही अधिकारी सकुशल वापस लौट गए। तब जाकर कई जेल के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सर आज जेल का निरीक्षण किया आपने, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या पाया आपने? देखिए, जो हमारा मासिक निरीक्षण होता है हमारा और कप्तान साहब का, उसके तहत हमने जेल का निरीक्षण किया है। जितने भी हमारे समस्त बैरकों का बहुत विस्तृत निरीक्षण किया गया है, जो हमारे महिला बैरक है वहाँ का भी, अस्पताल का भी, पाकशाला का भी। अच्छी बात यह है कि पिछले निरीक्षणों में जो हम लोग कमियाँ देखते थे उसमें इम्प्रूवमेंट जेल प्रशासन की तरफ से किया गया है। जो कई बार अवैध सामग्री मिलती थी यहाँ पे, जिसका पिछली बार हमने ब्यौरा भी गृह विभाग को भेजा था, तो आज जो निरीक्षण किया गया है तो किसी प्रकार की अवैध सामग्री नहीं मिली है, तो ये एक अच्छी बात है। मैं इसी प्रकार जेल प्रशासन को कहूँगा कि हाल ही में इन्होंने ISO सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है, तो अच्छे सोपान पे जाएं और जो जेल प्रशासन के लिए मैनुअल के हिसाब से मानक है उनको पूरा।